पापा आपके लिए नाश्ता लगा दूं और सेश तुम्हारी कॉफी। भाभी पापा के साथ मेरा भी ब्रेकफास्ट लगा दीजिएगा। ठीक है। बेटा शाम की तैयारी कर ली आप लोगों ने? तैयारी की क्या जरूरत है पापा, 8:30 बजे रेस्टोरेंट आ जाएंगे और केक भी वहां मंगवा लेंगे। भाभी आप अपनी फैमिली को 8 बजे का टाइम दे दीजिएगा। ठीक है ठीक है, मैं कह दूँ आ जाओ। चलें हम भी नाश्ता करते हाँ बहुत भूख लगी है। वो एक्चुअली भाभी सैलून गई है ना तैयार होने, वहीं पे देर हो रही होगी। पार्लर क्यों गई है वो? वो मैंने रूमी से कहा था कि अच्छे से तैयार होकर आ जाओ, बेटे की पहली सालगिरह है ना तो अच्छी लगेगी ना। हाय, ऐसा लग रहा है जैसे चांद जमीन पर उतर आया। फिर वही पुराना डायलॉग्स। डायलॉग पुराना है लेकिन एहसास तो हमेशा की तरह नए हैं। रूमी मैं सोच रहा हूँ कि पहले हम डेट पर चलते हैं। मम्मी मैं ना केक लेने जा रही हूँ, भाई से कहिएगा कि भाभी को खुद ही सैलून से ले ले। ठीक है बेटा आप जल्दी आ जाइएगा, अब आप देर न कीजिएगा कहीं आप भी फंस जाए कहीं। मैं ताबिश से कह दूंगी ना जब वो रूमी को लेने के लिए जाएगा तो वो ले आएगा। मैं कह रही हूँ ना कि केक मैं ले आती हूँ, 2 मिनट का काम है, आप भाई से कहो कि उन्हें ले आए। ठीक है जल्दी आना। ताबिश कभी तो जिंदगी में सीरियस हो जाए करो, वहां सब इंतजार कर रहे हैं और मुझे मामा की टेंशन बिल्कुल नहीं है, लेकिन अम्मी जो है ना वो क्लास ले ले। लेकिन जब अम्मी भी तुम्हें देखेंगी ना तो उनका भी सारा गुस्सा खत्म हो जाएगा। तुम्हें बहुत हसीन लग रही हो तो। अच्छा चलो अब जल्दी पहुंच जा दो, बाकी की जो तारीफ है ना वो घर पर करें। ठीक है ओके। ताबिश थोड़ा ढंग से गाड़ी चलाओ, रोड है। ओके अब ठीक है, इतनी स्पीड ठीक है।